दोस्तों शाहरुख खान की मोस्ट कोलाबरेशन मूवी डंकी का ड्रॉप फोर यानी कि ट्रेलर आ गया है। वैसे भाई लोगों साल 2023 शाहरुख खान के नाम है क्योंकि इस साल उन्होंने जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आ रही है शाहरुख खान और राजू रैनी की कोलाबरेशन फैमिली ड्रामा कॉमेडी और इमोशन से भरपूर मूवी डंकी, जो पिछले दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। और इसका कारण है खुद राजू रानी साहब और उनकी स्ट्रेटजी, जिस तरीके से वो मूवी की बूंद यानी कि ड्रॉप गिरा रहे हैं, क्योंकि पहले मूवी का ड्रॉप वन यानी कि टीजर आया था और सब लोग सोच रहे थे कि ड्रॉप टू में इसके ट्रेलर को दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं, ड्रॉप टू और ड्रॉप थ्री में सॉन्ग्स रिलीज हुए और अब फाइनली ड्रॉप फोर में इसके ट्रेलर को रिलीज किया गया है, जो मैंने देख लिया है। तो कैसा है ट्रेलर, आइए बात करते हैं। दोस्तों इस साल हमने एक से बढ़कर एक मास मसाला फिल्में देखी है, जैसे जवान, पठान, टाइगर थ्री और एनिमल, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी मूवी आ रही है जो प्योर फैमिली एंटरटेनिंग मूवी होगी, जिसमें फैमिली ड्रामा और कॉमेडी अलग अलग एंगल से दिखाया जाएगा। वैसे राजू ईरानी की स्टोरी टेलिंग तो आप सबको पता ही है कि वो हमें क्लाइमैक्स में रुलाकर जरूर जाते हैं, जो इससे पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो, थ्री इडियट्स, पीके, संजू, इन सब मूवी में कर चुके हैं। एनीवे इन सब के ऊपर ज्यादा बातें ना करते हुए बात करते हैं ट्रेलर की। दोस्तों 3 मिनट के ट्रेलर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें किस कैरेक्टर का नेचर कैसा होगा ये सब कुछ हमें क्लियर कट बता दिया गया है। ट्रेलर के शुरुआत में ही शाहरुख खान का मोनोलॉग सुना देता है, जिसमें उनकी आवाज थोड़ी भारी यानी कि ओल्डर जैसी फील हुई थी, लेकिन ट्रेलर के एंड में हमें बता दिया गया है कि यह कहानी हरजोत सिंह ढिल्लो उर्फ हार्डी की है, जो 25 साल पहले की कहानी बता रहा है। और इस मूवी में जवान की तरह शाहरुख खान के अलग अलग लुक देखने को मिलेंगे और ये वाली लुक, हरजोत सिंह ढिल्लो वाली लुक, तो बहुत ज्यादा वायरल भी होने वाली है भाई। दोस्तों एक चीज नोटिस की मैंने कि इस मूवी में गांव वालों को लंदन में जाने का कितना ज्यादा क्रेज है, ये सब तो देखने को मिलेगा ही, और साथ में हमारी मातृभाषा के ऊपर भी फोकस किया गया है। लोग किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ले रहे हैं लंदन में जाने के लिए, और एक जगह पर विक्की कौशल एक अंग्रेज के साथ आर्गुमेंट भी करता दिखा है, लेकिन कट टू नेक्स्ट सीन पीछे चिता जल रही है और शाहरुख खान की इमोशनल स्पीच भी चल रही है, लेकिन उसमें विक्की कौशल नहीं है, समझ रहे हो आप। एनीवे ये मूवी आ रही है 21 दिसंबर को और इसके नेक्स्ट डे सलार भी आ रही है। अब दोनों फिल्मों को कंपेयर करना तो गलत है भाई, क्योंकि जहां सलार एक एक्शन गैंगस्टर मूवी है, वहीं डंकी एक फैमिली ड्रामा और कॉमेडी मूवी होगी, जो इसके कलर ग्रेडिंग से भी पता चल रहा है। जहां सलार को डार्क टोन दी गई है, वहीं डंकी को लाइट वाइब्रेंट कलर में दिखाया जाएगा। दोस्तों यह मूवी 21 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी यानी कि क्रिसमस वीक में, और क्रिसमस की छुट्टियों का इस मूवी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब कौन सी मूवी को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा रिव्यू डंकी के ड्रॉप 4 के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।